रोम में जासूस बने जॉन अब्राहम। सरप्राइजिंग है एक्टर के लुक्स। परमाणु और सत्यमेव जयते की सफलता के बाद जॉन अब्राहम की अगली फिल्म रोमियो अकबर वॉल्टर RAW बनकर तैयार है। इसमें वे भारतीय जासूस के रोल में दिखेंगे। 2.46 मिनट का ट्रेलर दर्शकों को पसंद आ रहा है। रॉकी कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। मूवी में ऐसे जासूस की कहानी दिखाई जाएगी जो अपनी जान की फिक्र किए बिना पाकिस्तान गया। उसका 1971 की जंग में खास योगदान रहा था। जासूस बने जॉन ने कई लुक अपनाए हैं। इस मूवी के लिए जॉन अब्राहम ने कड़ी मेहनत की है, जिसका अंदाजा मूवी के ट्रेलर से होता है। किसी फिल्म के लिए पहली बार जॉन ने 18 से 20 लुक्स ट्राई किए हैं। शूटिंग के वक्त जॉन के लुक को छिपाने की काफी कोशिश की गई थी। ट्रेलर की शुरुआत में आया डायलॉग एक आम इंसान को खास बना देना, अपनों को उनकी औकात दिखा देना, जिंदगी का सही मतलब समझाने का शुक्रिया दमदार बन पड़ा है। हालांकि ट्रेलर देखने के बाद कुछ लोगों का ये भी अनुमान है कि ये टीजर से कमजोर है। टीजर के आगे ट्रेलर थोड़ा फीका पड़ गया है, लेकिन फिर भी फैंस को उम्मीद है कि मूवी शानदार होगी। देशभक्ति के जज्बे से भरी जॉन की ये फिल्म 5 अप्रैल को रिलीज हो रही है। उनकी पिछली दो फिल्मों परमाणु सत्यमेव जयते ने अच्छी कमाई की थी। वैसे भी देश के मौजूदा हालात में ऐसी फिल्मों के लिए कलेक्शन निकालने का अच्छा मौका है। बता दें, रॉ में पहले सुशांत सिंह राजपूत को कास्ट किया जा रहा था, लेकिन बिजी शेड्यूल के चलते केदारनाथ फेम एक्टर ने फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। मूवी में जॉन के अपोजिट मौनी रॉय हैं।